घर बैठे सीखिए म्यूजिक। सब्सक्राइब करें म्यूजिकल महेश यूट्यूब पर और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आप देख सके मेरा अगला वीडियो सबसे पहले। एक तेरा नाम ही तो मैं बस गुनगुनाऊं। दोस्तों, जब से मैंने यह YouTube का चैनल स्टार्ट किया है तब से बहुत बार मुझसे बिगिनर म्यूजिशियंस के द्वारा यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि किसी भी गाने का स्केल या उसमें लगने वाली कॉर्ड्स का कैसे पता लगाया जाए। वैसे तो स्केल का पता करना ईयर ट्रेनिंग का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ईयर ट्रेनिंग के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए और बिगिनर म्यूजिशियंस के पास में एक्सपीरियंस कम होता है, जिससे वो स्केल का पता लगाने में काफ़ी मुश्किल महसूस करते हैं। तो चलिए आपको मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे एकदम बिगिनर म्यूजिशियन भी किसी भी गाने के स्केल का पता लगा सकता है, और वो भी अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से। जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप ना केवल गाने के स्केल का पता लगा सकते हैं बल्कि उस गाने के टेम्पो यानी कि BPM बीट्स पर मिनट का भी पता लगा सकते हैं और उस गाने का करियोके वर्जन भी बना सकते हैं, यानी कि उस गाने से सिंगर की आवाज़ को भी हटा सकते हैं, यहाँ तक कि उस गाने की स्पीड को कम या ज़्यादा और पिच को भी सुविधा के अनुसार चेंज किया जा सकता है। इसके लिए आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको इस्तेमाल करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्केल पता करने में मुश्किल ना हो। तो दोस्तों, जिस तरीके की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और उसके बाद में मैं जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसको आपको सर्च करना है। एप्लीकेशन का नाम है BackTrackIt और उसके बाद में देखें यहाँ पर सजेशन बता रहा है, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में यह जो एप्लीकेशन खुल करके आई है उसको हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इसके देखिए 10,000 से भी ऊपर डाउनलोड्स हैं और 4.3 की रेटिंग्स है जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी देखिए अपनी एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल हो गई है, इसको हम चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ये पूछ रहा है कि क्या आप अपनी फ़ोटोज़, मीडिया और फाइल्स में इस एप्लीकेशन को एक्सेस देना चाहते हैं, तो हम अलाउ कर देते हैं ताकि ये स्कैन करके पूरे गाने जो है अपने मोबाइल में ला सकें। तो देखिए दोस्तों, ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस खुल करके आ गया है अपने सामने। इसमें देखिए यहाँ पर सॉन्ग्स है, उसके बाद में कीज, उसके बाद में टेम्पो। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, स्कैन, फ्लोटिंग फ्रेटबोर्ड, गिटार कोर्ड्स, गिटार स्केल्स, पियानो स्केल्स और उसके बाद में डेवलपर के बारे में। तो दोस्तों, ये इसका इंटरफेस है और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी गाने के स्केल का कैसे पता लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने भी गाने हैं लगभग मेरे ही कंपोज किए हुए गाने हैं और उनके अलग अलग वर्जन है, कोई MP3 वर्जन का है, कोई वेव वर्जन का है। तो मैंने क्या किया है कि अपने गाने का एक छोटा सा सैंपल काट करके उसको डेमो के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मैंने रख लिया है। देखिए यहाँ पर एक वोकल्स के साथ में गाना है और एक लीड के साथ में गाना है। तो चलिए सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि इस गाने में कौन सा स्केल इस्तेमाल हुआ है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए गाना यहाँ पर चलना स्टार्ट हो गया है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर ऊपर आया G#-minor और 108 BPM। इसके अलावा आप यहाँ पर जब की बटन दबाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इस गाने के स्केल का पता लग जाएगा। यहाँ पर BPM जो दिया हुआ है वहाँ पर आपको गाने की बीट्स पर मिनट का भी पता लग जाएगा। यहाँ पर गिटार का निशान दिया हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जिस स्केल में गाना है उस स्केल का गिटार पर फ्रेट बोर्ड में कैसे लोकेशन है वह भी यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पियानो के अंदर आप देखना चाहेंगे कि वो स्केल कैसे बजता है तो आप उसको भी जो है पता लगा सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके और कूल फीचर्स कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मैं गाना चला देता हूँ। उसके बाद में मान लीजिए मुझे इस गाने का जो पिच है उसको ऊपर या नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गाने को चलिए प्ले कर देते हैं। उसके बाद में हम जाएंगे यहाँ पर और हम स्लाइड करेंगे ऊपर या नीचे। देखिए अभी नीचे चला गया, अभी दो नोट नीचे चला गया है। इसका आप इस्तेमाल कब कर सकते हो यह भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप इस गाने की जो बीट्स है उसको चेंज करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। चलिए 108 से हमने इसको बढ़ा करके कर दिया है, 127। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल क्यों करें और क्यों आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस एप्लीकेशन का एक फ़ीचर और कौन सा है। चलिए मैं इसको वापस ओरिजिनल कर देता हूं।
108 BPM, ये हो गया 108 BPM। उसके बाद में चलिए इस गाने से सिंगर की आवाज को हम हटा देते हैं। तो पहले चलिए सिंगर की आवाज के साथ में सुनते हैं। ठीक है, अभी अपने को क्या करना पड़ेगा सिंगर की आवाज़ हटाने के लिए, जो यहाँ पे माइक्रोफोन का बटन दिया हुआ है उसको हम दबा देंगे। तो चलिए हमने इसको दबा दिया है और उसके बाद में इस गाने को प्ले करते हैं फिर से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाने से सिंगर की आवाज़ चली गई है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें इंस्ट्रूमेंट चलाऊंगा और मैं जिस माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपसे अभी बात कर रहा हूं, उससे रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। माफ़ करना, इससे रिकॉर्ड नहीं होगा बट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए मैं थोड़ा सा गा करके आप लोगों को सुनाता हूँ। तो अभी आपने जो ये मेरी आवाज़ सुनी वो है गाने के अलावा, यानी कि गाने से तो आवाज़ पहले हटी गई है। तो इस तरह से आप जो है सिंगर की आवाज़ हटा सकते हैं। उसके बाद में देखिए, अगर किसी इंस्ट्रूमेंटल में कोई लीड म्यूज़िक हो तो आप उसको भी कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो नीचे देखिए, इसी गाने का एक वर्जन मैंने जो दूसरा वाला रखा है उसके अंदर आवाज़ की जगह मैंने लीड दी हुई है, लीड यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट का। चलिए इसको एक बार सुनते हैं। अब चलिए इस लीड को हम हटा देते हैं। तो फिर से यहां पर क्लिक करेंगे और अभी इस गाने को प्ले करते हैं। है ना कमाल की चीज। उसके बाद में चलिए मान लो अपने को गाने की प्रैक्टिस करनी है और हमें इसकी की को ऊपर या नीचे करना है, तो क्या करेंगे, गाने को हम चला देते हैं और की को मान लीजिए, चलिए हम थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है इसलिए हमने इसको हाफ टोन नीचे कर दिया। अब गाते हैं। एक तेरा नाम ही तो मैं बस गुनगुनाऊं, एक तेरा साथ ही तो मैं बस पाना चाहूं। चलिए मान लो इसको और हाफ नोट नीचे कर लेते हैं, एफ शार्प माइनर, और अभी प्ले करते हैं। तेरा नाम ही तो मैं बस गुनगुनाऊं, एक तेरा साथ ही तो। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्यून को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से ओरिजिनल पे कर देता हूँ और अभी आपको इस गाने को थोड़ा सा स्लो गाना है मान लीजिए, ठीक है ना, या मान लीजिए फास्ट गाना है आपको, तो हम फास्ट कर देते हैं। एक तेरा नाम ही तो मैं बस गुनगुनाऊं, एक तेरा साथ ही तो मैं बस पाना चाहूं। तो हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से आप जो है गानों के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं आवाज़ हटा करके, और आपको स्केल का पता तो लग ही जाएगा और BPM का भी पता लग जाएगा। तो आप जो है गिटार पर भी इस्तेमाल कर सकते हो उस स्केल के कोड्स को पता लगा करके। उसके बाद में कुछ और कूल फीचर्स के ये हैं कि आपको इसमें इक्वलाइजर भी मिल जाएगा, और इसके अलावा इसमें एक जो खास चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जाएंगे ऑप्शन में और उसके बाद में देखिए, यहाँ पे फ्लोटिंग फ्रेट बोर्ड है, तो हमने इस पर क्लिक किया है और ये पूछ रहा है कि आप परमिशन दीजिए फ्लोटिंग की, तो ओके ठीक है, हमने यहाँ पे ओके कर दिया है। उसके बाद में देखिए अपनी स्क्रीन पर एक ये फ्लोटिंग म्यूज़िक का सिंबल बन करके आ गया है। जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने सामने जो है गिटार का फ्रेटबोर्ड खुल करके आ गया है, यानी कि आप कहीं पर भी होंगे अपने मोबाइल के अंदर तब आप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी सब कुछ हटा दिया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे किसी भी गाने की जो है मुझे किसने बताया कि भाई ये स्केल कैसे प्ले होता है वो प्ले कीजिए ज़रा, तो मैं इस पर आऊँगा डबल क्लिक कर दूँगा। या मान लीजिए आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें आप किसी ने आपको बताया कि B major प्ले करना है, तो आप इस पर सीधा डबल क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में
क्या करेंगे, आप मान लीजिए बी मेजर प्ले करना है तो यहाँ पर बी सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में जो है आप पता लगा लेंगे कि भाई इस स्केल में इस नोट्स की पोजीशन गिटार में इस तरह से है। तो दोस्तों इन सब तरीकों से जो है आप अपने म्यूज़िक की जो प्रैक्टिस है उसको आप बढ़ा सकते हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके अलावा लास्ट में आप जो आपने करियोके सॉन्ग बनाए हैं जिन गानों से सिंगर की आवाज़ हटाई है उसको आप जो है एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए ये वोकल्स वाला गाना था और उसको हम चलिए सेव कर लेते हैं और इसको बाद में यहाँ पर एक नाम दे देते हैं। तो अभी अपना जो गाना है ये वो सेव हो गया, देखिए ये बता रहा है। वहाँ से आप जब ओपन करेंगे तो आपको आवाज़ हटा हुआ गाना सुनाई देगा जहाँ पर आप उसको प्ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए, मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आने में जुट जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।